शाम को आज चेकिंग के दौरान फूलबाग पे एक गाड़ी जालो पकड़ी गई जिसमें 5 करोड़ रुपया पाया गया। उसने पर उन्होंने बताया कि वो बैंक इलाहाबाद बैंक के असिस्टेंट मैनेजर हमीरपुर के, और वो पैसा वो मुख्य शाखा इलाहाबाद से निकाल करके ले जा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई अरेस्ट लेटर्स पत्र नहीं थे, कागज नहीं थे, और वो गाड़ी भी प्राइवेट है। इसके अलावा दूसरी गाड़ी पकड़ी गई है नरोना चौराहे पे चेकिंग के दौरान, उसमें भी 5 करोड़ रुपया था, और वो ग्रामीण बैंक का है, और उनका कहना था कि वो RBI से लेके जा रहा है, उनके पास भी कागजात नहीं है। दोनों के पास कागजात नहीं पाए गए, लीगल कोई कागज उनके बताने के अनुसार तो बैंक का है, लेकिन कोई लीगल कागज नहीं है। इनकम टैक्स विभाग को सूचित कर दिया गया है, इनकम टैक्स विभाग भी थाने पर आ गया है और वो इस बात की जांच कर रहा है कि वो कैसा पैसा है, और जैसा वो उचित समझेंगे जो भी लीगल कार्रवाई होगी उसके बाद वो सुनाई जाएगी।